गाइस, नाउ हम कैलकुलेट करेंगे लॉस, ठीक है, कि लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस लॉस होता क्या है। पहले आपको इसके एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है, कि लॉस कैसे निकालते हैं, इसी से बच्चों आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने मैंने लिखा है, एक एग्जांपल लिखा है छोटा सा। रेवेन्यू अगर 80,000 है, एक्सपेंसेस अगर 1,00,000 के, ठीक है, और आपको इसमें निकालना है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट निकलता कि आप क्या लॉस निकलता वो देख लेंगे, ठीक है, तो वो चीज निकालनी है। तो यार मैंने आपको समझाया था, याद होगा आपको, लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में बताया था। आप मुझे बताइए रेवेन्यू किसका दूसरा नाम है, या रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या होता है। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, पिछली वीडियो में सीधा नहीं बताया, घुमा के बताया था आपको। याद है प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो रिसिप्ट होती थी, रेवेन्यू रिसिप्ट, उनको बोलते हैं रेवेन्यू शॉर्ट में, और जो दूसरा नाम था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको शॉर्ट में बोलते हैं एक्सपेंसेस। ओके, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है बच्चे, उसमें रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, और एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चों, जल्दी से बताइए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो शॉर्ट में ये वर्ड यूज किए हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है दूसरा, ठीक है, इनके अलग अलग नाम क्या होते हैं, यू शुड नो, ठीक है। अब यार हमें यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो इसको मैं दो तरीके से निकाल सकती हूँ। वैसे देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे लॉस हो रहा है ना, फिर भी आपको बताती हूँ। अगर मान लो मैं प्रॉफिट निकालने चलूंगी, तो प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लगाऊंगी बच्चे, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मुझे देख के बताइए रेवेन्यू कितना है, 80,000, तो रेवेन्यू के नीचे मैंने लिखा 80,000, इसमें सब क्या लेस करना, एक्सपेंसेस को, एक्सपेंसेस कितने बचे, 1,00,000 के। तो मेरा अगर इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो आ रहा है माइनस में, आ रहा है, बट क्या आ रहा है, माइनस 20,000, और ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये प्रॉफिट लिखा। तो प्रॉफिट बच्चे अगर आपका माइनस में आ रहा है ना, ये देखो, अगर प्रॉफिट आपका माइनस में आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, आपका लॉस है, ठीक है। अगर प्रॉफिट ही होता तो पॉजिटिव वैल्यू होती, वो नेगेटिव आ रही है, इट मींस आपका क्या है, ये लॉस है एक्चुअली। और अगर एक और तरीके की बात की जाए, तो लॉस का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अगर आपको करना है तो। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। एक्सपेंसेस कितने बच्चे इसमें, 1,00,000 के, तो एक्सपेंसेस की जगह मैंने लिख दिया 1,00,000, ठीक है। इसमें से बच्चे मुझे लेस करना रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, 80, तो रेवेन्यू मैंने माइनस कर लिया, तो कितना आ जाएगा बच्चे, जो आएगा वो क्या होगा, मेरा लॉस कितना आ गया, 20,000। तो यार आप कोई भी तरीका यूज कर लो, लॉस आपका 20 ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे बात सेम ही है, दिस इज अप टू यू कि आप क्या चीज यूज करते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा और इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर प्रॉफिट का नेगेटिव बैलेंस आ रहा था वो लॉस होता है, और लॉस क्या है, एक्सपेंसेस का बनना एज कम्पेयर टू रेवेन्यू। तो लॉस को बच्चा अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो लॉस क्या होगा, आप बोल सकते हो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, इसको क्या बोलते हैं, लॉस बोलते हैं। या एक और चीज लिख सकते हो, नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो लॉस, ना आपके सामने विजिबल है, तो ये भी लिख सकते हो नेगेटिव बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड लॉस, ठीक है। तो लॉस को डिफाइन करने के बहुत सारे वे हैं, ठीक है। अभी प्लस वन में इस चैप्टर के लिए जितने रिक्वायरमेंट है, मैं सिर्फ आपको उतना ही समझा रही हूँ, ठीक है, अभी आगे नहीं मैं चल रही हूँ। जब हम आगे चैप्टर्स करेंगे ना, जिसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आपको तब एक एक चीज में क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही इसका समझना है। एग्जाम्पल आ जाएगी पेपर में, अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कीजिए लॉस, तो आप बच्चे लॉस को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, आई थिंक, ये मीनिंग देख के, एग्जाम्पल देख के, ठीक है, इसको सॉल्व करके यू कैन डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से लॉस को हमने डिफाइन करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अब तक हमने प्रॉफिट लॉस का मीनिंग दोनों का कर लिया, अब थोड़ा आगे चलेंगे, मिलते हैं उसके बाद, बाय बाय।